Now, third method of solving differential equation is homogeneous differential equation. But to understand homogeneous differential equation, we have to understand homogeneous function. That what is homogeneous function, what is its degree. So let's see the definition of homogeneous function. Let f of xy be a function of two variables x and y. X or y ka ye function hai. If we can express this function f of xy as x raised to n phi of y by x, means some function of y by x, then f of xy is called homogeneous function of degree n. यहाँ पे ये जो n है, जो x की power है, वो उसकी degree हो जाएगी in x and y. तो ये first definition हुई. दूसरा, इसी को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, और if f of kx ky, means function में x की जगह पे हम kx लिख देंगे, y की जगह पे हम ky लिख देंगे, और फिर अगर सभी k को हम बाहर निकाल सके और अंदर जो हमारा ओरिजिनल गिवन फंक्शन है वो रह जाए, where k belongs to r, then f of xy is said to be a homogeneous function of degree n. ये जो k की जो पावर है वो उसकी डिग्री हो जाएगी. So this is homogeneous function of degree n in x and y. तो इन दोनों मेथड से हम homogeneous function है या नहीं वो चेक कर सकते हैं, और अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उसकी क्या डिग्री है. चलिए तो उसे एक एग्जांपल से हम समझने का ट्राई करते हैं. यहां पे हमने दिया हुआ है f(xy) = 2x² + 3xy + 4y² तो इसे हम दोनों डेफिनेशन से लिखने का ट्राई करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है. तो यहां पे f(xy), यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे x इनटू y, यहां पे y स्क्वायर. तो यहां पे अगर मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूं, देन आई विल गेट 2 + 3. ये x बाहर आ गया, हमने x स्क्वायर निकाला, तो हमें लिखना पड़ेगा y by x plus 4. यहां पे कोई x वाली टर्म नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा y स्क्वायर by x स्क्वायर. सो दिस वी कैन राइट एज x स्क्वायर 2 + 3 y by x plus 4 y by x whole square. So we can say that x square, and this is some function of y by x, that is phi of y by x. तो हम इस function को इस form में लिख सकते हैं, जहां x की power n, यहां पे हमें x की power 2 मिल रही है, so therefore we can say that given function f of xy is homogeneous function of degree 2, x की जो power है वो. तो हमने इस definition से इसे check करने का try किया. Next हम इससे check करने का try करते हैं, तो यहां पे हमें क्या करना है friends, x की जगह पे kx replace कर देंगे और y की जगह पे ky रिप्लेस कर देंगे, सभी k बाहर आ जाने चाहिए और यहां पे हमारे जो ओरिजिनल गिवन फंक्शन है वो रहना चाहिए. तो हमारे पास है f(xy) = this. हम स्टार्ट करते हैं f(kx) ky से. तो इस पूरे इक्वेशन में, पूरे टर्म में x की जगह पर हम kx रिप्लेस कर देंगे और y की जगह पर हम ky रिप्लेस कर देंगे. ये हो जाएगा 2x² है, तो x की जगह पे kx² + 3xy है, तो x की जगह पर kx, y की जगह पर ky plus 4y² so 4y की जगह पर ky whole square. अब हम ये सभी k बाहर लेने का ट्राई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2k² x² + 3, ये k into k² x into y plus 4, ये हो जाएगा k² y² इन तीनों टर्म्स में से हम k² बाहर ले सकते हैं, तो k² हमने बाहर ले लिया, अंदर में मिल गया 2x² + 3xy + 4y² so we can observe k
k square, this is our original function f of xy. So k square into f of xy. So we have started from f of kx, ky, and we are getting that this is equal to k square f of xy. तो यहाँ पे k की जो power है वो है 2, so we can say that therefore f of xy is homogeneous function of degree, जो k की power that is 2 in x and y. तो ये उसकी डिग्री हो गई. तो हम दोनों में से कोई भी मेथड से होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, और अगर है तो उसकी क्या डिग्री है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने यहां पे होमोजेनियस फंक्शन समझ लिया फ्रेंड, कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है. अब हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो समझने का ट्राई करेंगे, और फिर उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है. Now we want to understand homogeneous differential equation. So differential equation of the form f of xy dx plus g of xy dy is equal to 0, where this f of xy and g of xy are homogeneous function. Ye f of xy aur g of xy homogeneous function hai with same degree. In dono function ki degree same hai, dono homogeneous function hai और उनकी डिग्री सेम है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. नाउ वंस वी हैव होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व इट. सो टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वी टेक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन विल बी y इज इक्वल टू vx. ये सब्स्टिट्यूशन हमारा फिक्स है फ्रेंड सभी एग्जांपल के लिए. इफ इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू हम vx ले लेंगे. सो dy बाय dx इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाय dx इज इक्वल टू v एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाय dx. तो ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे हम, y is equal to vx, जहां जहां भी y है, dy by dx we replace v plus x dv by dx. So by taking this substitution, homogeneous differential equation will be converted into variable separable form. फिर वहां पे हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे एंड देन वी सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी गेट दी सॉल्यूशन. तो हमें पहले चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं. उसके लिए हमें f और g जो फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा. वंस इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वी विल टेक सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू vx, then dy by dx is equal to v plus x dv by dx, इसे हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर हम उसे वेरिएबल सेपरेबल की मेथड से सॉल्व करेंगे. नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, x dy by dx is equal to y plus x into cos square y by x. तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, हम इसे वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते. आप ट्राई करिए कोई पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन, हम जो आगे ले रहे थे रिड्यूसिबल फॉर्म, उस तरह से भी नहीं हो पाएगा. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है वो हम चेक करते हैं. एंड इफ इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देन वी हैव अ फिक्स सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू vx, वो हम ले लेंगे. पहले हमें ये चेक करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x dy by dx is equal to y plus x cos square y by x, इस x को मैं सामने ले जाता हूं इसके डिवीजन में आ जाएगा. सो देयरफॉर dy by dx is equal to, इसके अपॉन में करेंगे तो ये हो जाएगा y by x plus ये x by x कैंसल हो जाएगा. सो वी लेफ्ट विथ cos square y by
x. तो फ्रेंड्स दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म किया था f ऑफ x y dx plus g ऑफ x y dy is equal to 0, उसकी जगह पे यहाँ पे ये dy by dx is equal to, ये जो पूरा फंक्शन है इसकी अगर हम डिग्री चेक करना चाहें f ऑफ kx ky वाली मेथड से, तो यहाँ ky kx ky kx, ये k k कैंसिल, ये k कैंसिल हो जाएगा, तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 0, सभी k कैंसिल हो गए, मींस बाहर k की पावर 0 हम कह सकते हैं. तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया विथ डिग्री n इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो नाउ फ्रेंड्स टू सॉल्व दिस वी हैव टू टेक अवर सब्स्टिट्यूशन, लेट y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vx, ये हमारा फिक्स सब्स्टिट्यूशन है. तो यहां पे dy by dx, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया v as it is, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv by dx. इन दोनों को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे और यहां से फ्रेंड इसके ऊपर से y by x अगर हम करें, y by x is equal to v, इस x को अगर हम यहां y के डिनोमिनेटर में ला दे, so y by x is equal to v, so dy by dx will be replaced by this, so therefore v plus x dv by dx is equal to, ये y by x है वहां पर हम रख देंगे v plus cos square, y by x की जगह पर यहां पे v हो जाएगा. So friends now this differential equation is converted into x and v, हमारे नए वेरिएबल जो हो गए वो हो गए x and v. अब हम उसे सेपरेट करने का ट्राई करेंगे, तो यहां पे ये v और v कैंसिल हो गए, so we left with x dv by dx is equal to cos square v. Now we will separate terms of x and v, so we can write here, therefore left hand side में dv numerator में है, तो हम v के terms left hand side में ले जाते हैं, और dx को denominator में है इसे हम ले जाते हैं सामने right hand side में, तो वो numerator में आ जाएगा. तो ये हो जाएगा friend dv हम यहाँ रखते हैं, इस cos square v को हम सामने left hand side पे ले आते हैं, तो वो हो जाएगा 1 upon cos square v is equal to, इस dx को हम सामने ले जाते हैं, ये हो जाएगा dx, ये जो x है ये सामने denominator पे चला जाएगा, so this will be 1 upon x dx, so we can write this as 1 upon cos square v is sec square v dv is equal to 1 upon x dx. So now friends this differential equation is in variable separable form, v ke terms alag ho gaye, x ke term alag ho gaye, yani separate ho gaye. Now we will integrate this, so integration sec square v dv is equal to integration 1 upon x dx plus constant hum yahan pe likh dete hain log c, क्योंकि यहां पर 1 upon x है उसका इंटीग्रेशन log x आएगा, तो उसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम यहां पे log c रख देते हैं. तो इंटीग्रेशन sec square v, sec square v का इंटीग्रेशन होता है tan v, तो ये हो जाएगा tan v is equal to, this is log modulus of x plus log c, so this is equal to tan v is equal to log of x into c या cx. ये मैं आंसर भी गया फ्रेंड, but this answer is in terms of v and x. Our original differential equation is in terms of x and y. तो हम यहाँ v की जगह पे जो हमारा substitution हमने लिया था y by x वो replace कर देते हैं. So this is equal to tan of y by x is equal to log x into c or cx. So this is the solution of
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम चेक करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल से रिड्यूसेबल से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। उसके लिए जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन होना नेसेसरी है। हमने चेक किया ये होमोजीनियस फंक्शन है विथ डिग्री n इज इक्वल टू जीरो। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आवर सब्सटीट्यूशन इज फिक्स y इज इक्वल टू वी एक्स। इसके ऊपर से इसका डेरिवेटिव किया हमने तो हमें मिल गया dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx। इसे हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया तो ये v और x के फॉर्म में सेपरेट हो गया। फिर हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें ये आंसर मिल गया 10v इज इक्वल टू log x into c। तो हमारा ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन x और y के फॉर्म में है तो ये v की जगह पर हमने y by x वापस रिप्लेस कर दिया तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। तो मेथड बहुत ही इजी है, वंस इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और सब्स्टिट्यूशन इज फिक्स y इज इक्वल टू vx, सब्स्टिट्यूट इन डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट विल कन्वर्टेड इनटू सेपरेबल फॉर्म देन सॉल्व इट। फोर्थ मेथड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं? सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q where this p and q are functions of x only। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये p और q सिर्फ x के फंक्शन हो या मे बी कॉन्स्टेंट देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर इसे सॉल्व करने की पर्टिकुलर मेथड है, देन मेथड फॉर इट्स सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर या उसे हम शॉर्ट में आई डॉट एफ भी कहते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ दिस विल बी इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डीएक्स। ये पी जो यहां वाई के साथ में जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हमें यहां पे लिखना है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा आई एफ। Then its solution of differential equation is y into integrating factor, y into integrating factor यहां पर हमें जो मिला वो is equal to integration q into integrating factor। ये जो q है राइट हैंड साइड में वो q into integrating factor dx plus c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वंस अगेन फ्रेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy by dx plus py is equal to q, dy by dx plus py is equal to q where p and q, this p and q are function of x only or maybe constant, then this differential equation become linear differential equation. Now to find solution of this differential equation we will first find integrating factor if which is equal to e raised to integration p dx where p is this jo y ke saath mein hai wo, then its solution will be y into integrating factor is equal to integration q yahan pe jo right hand side ka function hai into integrating factor this dx, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को
इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में कंपेयर करना है और चेक करना है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं. इफ इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल फाइंड इंडिकेटिंग फैक्टर और इंडिकेटिंग फैक्टर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे, दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज dy by dx plus y by x is equal to x square. तो dy by dx plus इसे हम लिख सकते हैं 1 by x into y is equal to x square. अब हमें चेक करना है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो हम इसे कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग विथ dy by dx plus py is equal to q. तो इसके साथ में कंपेयर करें तो dy by dx ये y है, तो p की जगह पर हमें मिलेगा 1 by x और इस q की जगह पर हमें मिलेगा x square. So where p is equal to 1 by x and q is equal to x square, which are function of x only. ये function सिर्फ x के ही है, therefore we can say given differential equation is linear differential equation. यानि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो नाउ वंस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम उसे सॉल्व करने की जो हमारी फिक्स मेथड है वो फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप है कि हम यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर या उसे हम शॉर्ट में IF कहते हैं. So which is equal to e raised to integration pdx. So e raised to integration, यहां पर हमारा p है 1 by x. So e raised to 1 by x dx. So इसे हम solve कर देते हैं, e raised to 1 upon x का integration हो जाएगा log x base e. So this is equal to friend e raised to log x b base e is equal to x. ये कैसे हुआ? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है लॉगरिथम की कि a raised to log x base a, यानी ये बेस और इस log का बेस अगर सेम हो तो इसकी वैल्यू x हो जाती है. तो यहाँ पे ये e है बेस और log का बेस भी e है. We know that 1 upon x का इंटीग्रेशन है log x base e, तो इसका आंसर हमें x मिल गया. So our integrating factor is equal to x. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हमें इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया. नाउ सॉल्यूशन की जो हमारी मेथड है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी. जो हमने ये स्टैंडर्ड मेथड देखी थी, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q. सो q इज x स्क्वायर इन अवर केस. सो x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x dx. वंस अगेन फ्रेंड्स q इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा x प्लस c. अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देयरफॉर yx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब dx प्लस c. सो yx इज इक्वल टू x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेस टू 4 बाय 4 प्लस c, व्हिच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर किया, p
पी और क्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई की, विच इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और मे बी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे एक्स का फंक्शन है. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर उसे सॉल्व करने की जो मेथड है, हमने फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया विच इज एक्स. अब उसका सॉल्यूशन होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एक्स, क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वो रिप्लेस कर दी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स डी एक्स प्लस सी. तो ये हो गया वाई एक्स, दिस इज एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर दिया एक्स रेज़ टू 4/4. तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया. तो फ्रेंड्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है. वंस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, देन दिस इज अवर सॉल्यूशन. वी रिप्लेस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेट इट एंड वी गेट द सॉल्यूशन. नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx plus y into tan x is equal to cos x. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख देते हैं dy by dx plus py. तो इस tan x को मैं आगे लिख देता हूं into y is equal to cos x. तो y into tan x है, उसे हमने लिख दिया tan x into y. अब इसे हम कंपेयर कर देते हैं कंपेयरिंग विथ dy by dx plus py is equal to q. So p is equal to y के साथ में जो है, so tan x p is equal to हो गया tan x and q is equal to cos x which is function of x only. Therefore we can say given differential equation is linear differential equation. तो ये linear differential equation हो गया. अब इसे solve करने की method हमारी fix है, integrating factor find out करेंगे और फिर हमारा जो solution है उसमें substitute कर देंगे. So integrating factor I f is equal to e raised to integration p dx. So this is equal to e raised to integration p. So p ki value hai hamari tan x dx. So we know that tan x ka integration hai log sec x base e. तो ये फिर से हमारी जो फॉर्मूला है लॉगरिदम की a रेस टू log x बेस a का आंसर में मिल जाता है x. तो उस फॉर्मूला से इसका आंसर हो जाएगा sec x. सो दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ सॉल्यूशन हो जाएगा इसका सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c. तो हम replace कर देते हैं सब. So y into integrating factor है हमारा sec x is equal to integration q. So q is cos x into integrating factor है sec x dx plus c. अब हमें इसे simplify करना है और integration करना है. So y into sec x is equal to, now friends we know that sec x is equal to 1 upon cos x. Cos x into sec x को हम लिख सकते हैं 1 upon cos x dx plus c. तो ये cos x cancel तो 1 रह गया यहाँ पे. So y sec x is equal to 1 integration 1 dx plus c. So therefore y sec x 1 का integration हो गया x plus c.
which is the solution of given linear differential equation. तो friends, method बहुत easy है. Standard form के साथ में compare करिए, P and Q identify करिए, integrating factor find out करिए, उसे यहाँ पर replace कर दीजिए उसके जो standard solution की method है और integrate करिए, we get the solution. Next example is dy by dx plus 2y is equal to e raised to x. So again friend, we will compare this with our standard form of linear differential equation. So dy by dx plus 2y is equal to e raised to x. Comparing with dy by dx plus py is equal to q. तो p की वैल्यू है 2 एंड q इज इक्वल टू e रेस टू x विच इज फंक्शन ऑफ x ओनली और कॉन्स्टेंट. यहां पे p इज इक्वल टू 2 विच इज कॉन्स्टेंट. तो p एंड q आइदर x के फंक्शन होनी चाहिए या कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं. यहां पे p इज इक्वल टू 2 व्हिच इज कांस्टेंट एंड q इज इक्वल टू e रेस टू x व्हिच इज फंक्शन ऑफ x. देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड है वो हम यूज करेंगे. सो वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर if is equal to e raised to integration p dx. So this is equal to e raised to integration p. P ki value hai 2. So 2 dx. So e raised to 2 ka integration ho jayega 2x. Constant ka integration hota hai constant into x. Ye ho gaya hamara integrating factor. अब हमारा जो सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड. सो सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. सो देयरफॉर y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू 2x is equal to integration q. So q is e raised to x into integrating factor hai hamara e raised to 2x dx plus c. So therefore y into e raised to 2x is equal to ye e raised to x into e raised to 2x. So multiplication mein base same hai to power ka addition ho jayega. So e raised to x plus 2x, so that is e raised to 3x dx plus c. So therefore y into e raised to 2x is equal to iska integration ho jayega e raised to 3x upon is 3x ka hame derivative karna padega aur use hum likhenge denominator mein. So 3x ka derivative ho jayega 3, so e raised to 3x upon 3 plus c, which is the solution of given linear differential equation. तो फ्रेंड्स फिर से हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है उसके साथ में कंपेयर किया और उसकी जो सॉल्यूशन की प्रोसीजर है उसे फॉलो की. तो इस चैप्टर में हमने काफी सारा कर लिया. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, हमने उसके भी एग्जांपल्स देखे कि अगर हम इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो उसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर हमने उसे सॉल्व करने की जो मेथड्स हैं, फर्स्ट मेथड हमने की वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देन थर्ड वाज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके लिए हमने होमोजेनियस फंक्शन क्या है वो देखा और फिर हम क्या सब्स्टिट्यूशन लेते हैं y = vx,
उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं. देन लास्ट मेथड वाज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमारे सिलेबस में ये चार टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन थे, उन्हें हमने किया. एंड वी हैव आल्सो डन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें हम आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करके उसके ऊपर से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं और उसे हमने सॉल्व करने की भी मेथड देखी. तो आई होप फ्रेंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा. डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और कोई भी प्रॉब्लम, फिजिक्स का प्रॉब्लम, केमिस्ट्री का, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल जब हम बनाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो आई होप फ्रेंड कि आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे.